कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह के जन्मदिन पर भोपाल में भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाए गए। भावी मुख्यमंत्री जयवर्धन सिंह को बताया गया, ऐसी होर्डिंग लगवाई गई और अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जयवर्धन ने इसे विरोधियों द्वारा उनकी राजनीतिक निष्ठा धूमिल करने का प्रयास बताया है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह डीआईजी को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करके एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए पहले आपको इससे रूबरू करवाते हैं। जयवर्धन सिंह के जन्मदिन पर भोपाल में होर्डिंग लगाए गए जिसमें उन्हें मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया गया। अब तक ये माना जा रहा था कि ये फ्लैग्स होर्डिंग्स उनके समर्थक कांग्रेसियों द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन अब पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने जब डीजीपी को पत्र लिखा, इस मामले में नया मोड़ आ गया है। जयवर्धन सिंह चाहते हैं भाजपा नेता कृष्णा खाड़गे का उल्लेख करते हुए कार्यवाही की मांग करते हैं। अपने पत्र में जयवर्धन सिंह लिखते हैं, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है भोपाल के कुछ स्थानों पर शरारती तत्वों ने मेरे नाम का उल्लेख करके एक फ्लैग्स लगाया, मेरी राजनीतिक निष्ठा धूमिल करने की कोशिश की। इस फ्लैग्स में मुझे जन्मदिन के बहाने भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। ये एक आपराधिक षड्यंत्र है जो मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है। रोशनपुरा चौराहे के पास एक बिल्डिंग की छत तथा एमपी नगर में लगे होर्डिंग के मामले की जांच की जाए। क्या होर्डिंग लगाने की नगर निगम से स्वीकृति ली गई, इसकी जांच होनी चाहिए। राजनीतिक विद्वेष फैलाने के लिए मेरे राजनीतिक विरोधियों द्वारा किए गए गैर कानूनी काम की गहन जांच कराई जाए। इन चौराहे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी जाए, ऐसे आपराधिक तत्व पकड़ में आ जाएंगे। फुटेज के आधार पर होर्डिंग लगाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उनसे पूछताछ की जाए, साजिश रचने वाले लोगों के नाम सामने आए। जयवर्धन सिंह आगे लिखते हैं, भाजपा नेता कृष्णा द्वारा मीडिया के ग्रुप में फोटो पोस्ट किए गए। ये व्यक्ति लगातार अमर्यादित बातें फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है। इस मामले में कृष्णा से पूछताछ की जाए, राजनीतिक विरोधियों के इस कृत्य का पर्दाफाश किया जाए जो मेरी छवि धूमिल करने के लिए निम्न स्तर का घटिया काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर जांच करके एफआईआर दर्ज कराई जाए। एक तरफ राजस्थान का विवाद है, राजस्थान में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई, सचिन पायलट के इस्तीफे, कांग्रेस छोड़ने को लेकर जो भी सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है उसका असर मध्य प्रदेश के उपचुनावों पर पड़ने के आसार पूर्ण रूप से नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजनीति में ये होर्डिंग फ्लैग्स और पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।